आई फील कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसे डिजायर्स हैं जो उन्हें बांधे हुए रखते हैं, और वो चाहते हैं कि पहले इन सब से उनको छुटकारा मिल सके। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई फील कि आप इस कनेक्शन में ऑनेस्टी और सच्चाई चाहते हैं, और आप सच में चाहते हैं कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो। आई कैन सी कि आप एक दूसरे से काफ़ी लंबे टाइम से दूर हो। आप दोनों के पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे आप अलग अलग हो गए, और अभी आप दोनों ही सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया है, और अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपन और ऑनेस्ट होना चाहते हैं। यहाँ आपका पर्सन पहले कमिटमेंट नहीं चाहता था, इसलिए वो दूरी बनाए हुए था, और अब उन्होंने खुद को अपने पास्ट इमोशनल ट्रॉमा से हील किया है, वो भी अकेले, इसलिए वो खुद को अब काफ़ी स्ट्रांग मानते हैं। ऐसी कि आपका पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, लेकिन उनके मन में काफ़ी डर थे जिनसे वो डरते थे, या यूं कह लो कि डर ने उनको कंट्रोल कर रखा था, उनकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोका हुआ था। आई फील कि आप इस कनेक्शन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे और अपने पर्सन को काफ़ी टाइम, जिससे वो खुद की फीलिंग्स को समझ पाएं। आई सी कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करना चाहते थे, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। आपने कभी नहीं चाहा कि ये रिश्ता कभी टूटे, क्योंकि आप अपने पर्सन का एक सपोर्ट बनना चाहते थे। आई सी कि आप अपने पर्सन को अभी भी दूर से देखते हैं या उनकी खबर रखने की कोशिश करते हैं, और इस उम्मीद में रहते हैं कि एक दिन आपका पर्सन आपके पास आएगा, लेकिन आपके मन में अभी भी डर है कि अगर आपका पर्सन आपके पास नहीं आया तो। और आप फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है आप दोनों को अलग हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं हो जो आपके पर्सन के साथ पास्ट में हुई, या जो उन्होंने आपसे छुपा कर रखा, और वही एक कारण हो सकता है कि वो अब तक नहीं आए। ऐसी कि आपका पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता था, बिकॉज वो इस रिलेशनशिप को लेकर रेडी नहीं थे, या कमिटमेंट देने से डरते थे। बट अब उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस की आपके साथ जो उन्होंने पहले कभी नहीं करी थी। एंड आई कैन सेंस कि आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी काइंड रहे थे, उनको काफ़ी समझा लाइफ में, भले ही वो थोड़े नटखट स्वभाव के थे, लेकिन आपने इस चीज़ को कभी अपने कनेक्शन में बाधा के रूप में नहीं देखा। आपने हमेशा अपने पर्सन को स्पेस दी, हमेशा उनको एनकरेज करा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें, फिर चाहे भले ही कई चीज़ें आपको अपसेट की हों, लेकिन आपने हमेशा अपने पर्सन को अपने से ऊपर रखा। आई फील कि अब आपका पर्सन अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उनको इस वक्त आपकी बहुत याद आती है, और आपकी कमी खलती हुई प्रतीत होती है। ऐसी कि अब आपके पर्सन की लाइफ में भले ही उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, या जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी वो मिल रही हों, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो खुश नहीं हैं, उनको स्टिल आपकी ज़रूरत है। आई गेट अ वाइब कि जब आपका पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में था, तब वो सिर्फ खुद का सोचते थे, खुद की खुशी उनके लिए बहुत मैटर करती थी, लेकिन अब जब उनके पास खुश होने के ढेरों कारण हैं, तो वो खुश नहीं है। आई बिलीव कि आपने अपने पर्सन को अपने ऊपर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आपने खुद की सेल्फ वर्थ नहीं देखी, आपने खुद की खुशियों का नहीं सोचा, इसलिए ब्रेकअप कहीं ना कहीं ज़रूरी था आपके लिए, कि आप खुद को वक्त दे पाएं, आप खुद के लिए सोच पाएं, खुद को इम्पोर्टेंस दे पाएं, क्योंकि यहाँ आपका खुद से प्यार होना भी बेहद ज़रूरी है। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप सीरियस हो जाओगे, या ये कनेक्शन में आपकी तरफ से सच्चा प्यार उभर कर आएगा, और इसीलिए ये ब्रेकअप आपके लिए एक मौका था
जिससे आप ये जान पाएं कि आपका पर्सन कैसी फीलिंग्स रखता था, या ये सीख पाएं कि किसी भी रिलेशनशिप में खुद को पूरी तरह से सरेंडर नहीं करना चाहिए। और आपके पर्सन के लिए भी कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ज़रूरी था, जिससे वो एहसास कर पाए कि जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनको खुश नहीं रख पाएंगे। यहाँ उनकी लाइफ में एक पर्सन का होना ज़रूरी है जिसके लिए आप कुछ कर पाए और वो आपके लिए। आई कैन सेंस कि आप दोनों को ही सेपरेशन से जो सीखना चाहिए था वो आपने सीख लिया है, और अब आप दोनों चाहते हैं कि आप मिलें और बात करें, चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आगे आप दोनों क्या चाहते हैं। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरता है। आई सी यहाँ आपका पर्सन एडमिट करने से डरता है कि सब उनकी गलती थी, क्योंकि उनको नहीं पता कि अब आप कैसा महसूस करते हैं। आप अभी भी उनको लेकर वैसी फीलिंग्स रखते हैं जैसे पहले रखते थे। वो आपको यहाँ खोना भी नहीं चाहते और अपनी ही कश्मकश से लड़ते रहते हैं कि वो आपके पास अभी आए या बाद में। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जो उन्हें बांधे हुए रखते हैं, और वो चाहते हैं कि पहले इन सब से उनको छुटकारा मिल सके। आई सी कि आप यहाँ खुद को टाइम दे रहे हैं। अब आप नहीं चाहते कि आप कोई भी फैसला बिना सोचे समझे लें या अपने आप को उनके हवाले कर दें। आप चाहते हैं कि अब आपका पर्सन आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे और आपको अप्रिशिएट करे उन सब के लिए जो आपने उनके लिए किया था। और आई सी कि आपने यहाँ बदले में कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन अब आप खुद को एक अलग नज़रिए से देखने लगे हैं, बिकॉज आपको अपनी सेल्फ वर्थ मालूम है। आई कैन सेंस कि आपके कनेक्शन में आपकी फैमिलीज का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हों। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हों, लेकिन अब आप दोनों का परिवार आपको यूं मायूस देखकर परेशान होता है। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको आपकी खोई हुई खुशी मिल जाए, क्योंकि यहाँ उनको भी एहसास है कि आप दोनों की खुशी एक दूसरे में थी और आपकी खुशी से बढ़कर अब उनके लिए और कुछ नहीं है। आई गेट अ वाइब कि आपका कनेक्शन शुरुआत में इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आपके कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेहद सीरियस थे और आपका पर्सन इस कनेक्शन को हल्के में ले रहा था। और आपको ये बाद में पता चला, जैसे ही पता चला आपकी आंखें खुल गई। आप खुद से नफरत करने लगे थे कि आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम इस कनेक्शन में क्यों इन्वेस्ट किया। आप खुद ही को कोसने लगे थे, लेकिन अब आप जानते हो कि ये आपकी एक सॉफ्ट साइड थी जो कि बहुत कम लोगों में होती है, और इस चीज को लेकर अब आप काफी प्राउड फील करते हो। आपका पर्सन भी अब ये समझ पा रहा है कि उनको दिल वाले लोगों के साथ दिमाग से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास आप जैसा कोई नहीं है जो उनकी सच में परवाह करे, जो उनसे बे इंतहा प्यार करे, और वो चाहते हैं कि आपका और उनका एक रीयूनियन हो जल्द से जल्द। क्योंकि आपका पर्सन अपनी फीलिंग्स और गलतियों को एडमिट करने से डरता है या शर्माता है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और उनके बिहाफ पर बोल सके, या तो उनका परिवार आपके परिवार से मिल सके या उनका कोई दोस्त आपसे बात कर सके। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस कनेक्शन को सफलता मिल सके। आई सी कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हो। अब आपका पर्सन आपके लिए सच में फील करता है। आई सी कि आपका पर्सन अब पहले जैसा नासमझ नहीं रहा, अब उनको बहुत चीज़ें समझ आ गई हैं। जैसे भले ही कुछ चीज़ों को पूरा करने में मज़ा आता है, लेकिन वो मज़ा हमेशा के लिए नहीं रहता। पहले उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वो आपकी काफ़ी वैल्यू करते हैं, क्योंकि इंसान को कदर किसी चीज़ की तभी होती है
जब वो चीज़ उसके हाथ से चली जाए। एंड आई बिलीव कि अब आपका पर्सन ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे कभी भी दूर हों, इसीलिए वो जल्द इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने आएंगे। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछता हूँ, देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। प्रेशियस टाइम, ये फेरी आपको कहना चाहती है कि ये टाइम आपका जो भी जैसा भी चल रहा है, आपको ये फुली एक्सपीरियंस करके इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना है। समय में बहुत शक्ति होती है। आज का बुरा समय आपकी लाइफ में कल के अच्छे समय की नींव की बुनियाद है। आपको खुद को ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज रखना होगा इस टाइम जो आपको लाइफ में ग्रो करवाए, क्योंकि आपकी लाइफ के आने वाले समय की बुनियाद बहुत ही स्ट्रांग है। दूर रहकर भी वो आपको कितना चाहते हैं जान लो स्क्रीन पर शो हो रही है। अगली टैरो रीडिंग में पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।